गाइस, क्या आप लोगों को पता है हमारे इंडिया सर्वर के अंदर बहुत जल्द पिंग डायमंड स्टोर इवेंट आने वाला है। हाँ गाइस, वही पिंग डायमंड स्टोर जो कि आज से काफी टाइम पहले आया था और हम लोगों ने पिंग डायमंड स्टोर से काफी सारे मस्त मस्त आइटम्स को फ्री में लिया था। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अरे धक धक नहीं भाई, ये वीडियो को देखने के बाद तो आप लोगों का दिल एकदम खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपकमिंग पिंग डायमंड स्टोर इवेंट के रिगार्डिंग ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अरे हाँ दीदी, इस वीडियो में और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आज मैं आप लोगों को टुनाइट अपडेट के बारे में बताऊंगा, OB44 अपडेट स्पेशल मुझे काफी सारे इवेंट्स मिले हैं उनका इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। देन आज हम लोग रैम्पेज वाले M1014 के स्किन के रिटर्न के बारे में बात करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो? हाँ भिड़ो, मजा तो बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को काफी सारे फ्री इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ गाइस, एक तरीके से देखा जाए तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अपकमिंग पेड इवेंट्स, फ्री इवेंट्स सभी के बारे में पता लगेगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा ध्यान से देखना। आइए देख मजा आएगा। हाँ आइए आइए गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले टुनाइट अपडेट के बारे में बताता हूँ। यहाँ तो गाइस, अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो यार आप लोग स्क्रीन पर रिंग इवेंट देख पा रहे हो गाइस, यही हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला आज का टुनाइट अपडेट, यानी कि कल 22 तारीख के दिन हमारे गेम के अंदर यही वाला रिंग इवेंट आएगा, जहां पर से आप लोगों को स्कॉर्चिंग सील बंडल मिलेगा और साथ ही साथ यार इस इवेंट के अंदर फ्लेमिंग हॉलो फेस बंडल भी अवेलेबल रहेगा। हाँ गाइस, एक साथ इस रिंग इवेंट के अंदर दो बहुत ही मस्त मस्त बंडल आने वाले हैं। अभी आप लोग जरा मुझे कमेंट से बताना कि आपको ये टुनाइट अपडेट कैसा लगा। बाकी हाँ, अभी यार ये आज का टुनाइट अपडेट है और इसके बारे में आप लोगों को पहले की कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल से बात करके मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। अभी हम लोग सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी ना गाइस, मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले OB44 अपडेट स्पेशल कुछ कमाल कमाल के इवेंट्स के बारे में बताता हूँ। हाँ गाइस, अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो भाई, ये रिंग इवेंट ना फाइनली हमारे इंडिया सर्वर के लिए कंफर्म हो चुका है। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भाई, ये OB44 अपडेट स्पेशल एक रिंग इवेंट है, जहां पर सबसे पहले तो हम लोगों को OB44 अपडेट वाला वॉरियर ऑफ द वेस्ट बंडल देखने को मिल रहा है, जो कि यार बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ गाइस, आप लोग स्क्रीन पर खुद ही देखो, ये बंडल का जो एनिमेशन है बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा है और साथ ही साथ ये बंडल का पेट जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इसमें आग जल रही है, बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है। सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा यूनिक बंडल है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। आप लोग अभी मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को ये बंडल कैसा लगा। खैर फिर गाइस, इस बंडल के बाद हम लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ द विस्प करके ग्लूवॉल का स्किन देखने को भी मिलेगा। एंड अगर अभी हम लोग ये ग्लूवॉल के स्किन के बारे में डिटेल से बात करें तो भाई, ये ग्लूवॉल का स्किन भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ गाइस, इसका कलर जो है, इसका डिजाइन जो है, मुझे तो सब कुछ ही बहुत अच्छा लगा। एंड फिर गाइस, एट द एंड यहाँ पर हम लोगों को फीमेल बंडल देखने को मिल रहा है। हाँ गाइस, इस रिंग इवेंट के अंदर टोटल तीन आइटम्स हैं, एक मेल बंडल, एक ग्लू वॉल और एक फीमेल बंडल। तो यार अगर अभी मैं आप लोगों के पूरे रिंग इवेंट के रिगार्डिंग अपने ऑनेस्ट रिव्यू दूं, तो भाई सच में मुझे ये रिंग इवेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लू वॉल और मेल बंडल है बहुत ज्यादा बढ़िया है। हालांकि मुझे फीमेल बंडल ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं गेम के अंदर फीमेल बंडल को यूज भी नहीं करता। बाकी गाइस, फिलहाल अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्योंकि यार अभी मैं आप लोगों को रिंग इवेंट का पूरा कंप्लीट रिव्यू करवा चुका हूं, अभी हम लोग ये रिंग इवेंट की कंफर्म डेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ गाइस देखो, ये जो रिंग इवेंट ये हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इसी अप्रैल मंथ की एंडिंग में आएगा, वही कुछ 25 से 30 तारीख के बीच में। तो भाई अगर तुम लोगों को ये रिंग इवेंट पसंद आ रहा है तो बस थोड़ा सा इंतजार करो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये रिंग इवेंट कैसा लगा। बाकी अभी तो यार हम लोग फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अभी गाइस, मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले एक बहुत ही कमाल के फ्री इवेंट के बारे में बताता हूँ। जी हाँ, तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखो, ये जो टोकन एक्सचेंज इवेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यही हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला अपकमिंग एक बहुत ही कमाल का फ्री इवेंट, जहाँ पर गाइस सबसे पहले तो हम लोगों को सिंपल से मिशन कंप्लीट करके ये कुछ टोकन्स को कलेक्ट करना है। और गाइस, ये जो फिर टोकन्स है, इससे एक्सचेंज करने पर तो हम लोगों को बहुत ही मस्त मस्त से आइटम्स फ्री में मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर से एक बहुत ही कमाल का इमोट फ्री में मिलने वाला है। आप लोग अभी स्क्रीन पर ये इमोट का रिव्यू भी देख पा रहे होंगे, भाई सच में यार ये इमोट बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है। तो गाइस, हम लोगों को ये इमोट के बाद टोकन एक्सचेंज इवेंट के अंदर एक क्रेट देखने को मिल रही है, जिस क्रेट के अंदर ये कुछ बंडल्स के आइटम वगैरह है। भाई यहाँ पर फीमेल का टॉप, लोवर वगैरह काफी सारे आइटम्स है। आप लोग ये पूरी की पूरी क्रेट का रिव्यू देख लो, मैंने इसका डिटेल रिव्यू रिकॉर्ड किया है। देन फिर तो गाइस, हम लोगों को इस इवेंट के अंदर बनी MP40 की क्रेट और साथ ही साथ कुछ गोल्ड कॉइंस भी मिलने वाले हैं। तो भाई देखो, अगर अभी ना मैं आप लोगों को ये फ्री इवेंट के रिगार्डिंग अपने ऑनेस्ट रिव्यू दूं, तो गाइस मुझे पर्सनली ये फ्री इवेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि इस इवेंट के अंदर बहुत सारे आइटम्स है जो कि हम लोगों को टोकन एक्सचेंज करने पर मिल रहे हैं। भाई इमोट इतना मस्त है। तो गाइस, अभी मैं जानता हूं कि आप लोगों को भी ये इवेंट जरूर पसंद आया होगा। बाकी अभी तो गाइस फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड अभी
है गाइस, मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले ये फ्री इवेंट की कंफर्म डेट के बारे में बताता हूँ। हाँ देखो गाइस, ये एक समर स्पेशल इवेंट है और यार अगर आप लोग गेम के अंदर एक्टिव हो तो आप लोगों को पता होगा अभी हमारे गेम के अंदर मैकड्रेक इवेंट चल रहा है। यार जब गाइस मैकड्रेक इवेंट खत्म होगा तो हम लोगों को हमारे गेम के अंदर समर इवेंट देखने को मिलेगा। सीधे सीधे बोलूं तो समर इवेंट नेक्स्ट मंथ मई में आने वाला है और गाइस हम लोगों को नेक्स्ट मंथ मई में ही हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ये फ्री इवेंट देखने को मिलेगा, जहां पर से आप लोग एक इमोट को ले पाओगे, साथ ही साथ कुछ क्रेडिट्स वगैरह भी है उनको भी ले पाओगे। तो बेसिकली गाइस देखो, अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग एक फ्री इवेंट के बारे में बता दिया है, जो फ्री इवेंट नेक्स्ट मंथ आने वाला है। देख लो यार कितने एडवांस इवेंट का इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को अभी दे दिया, इसलिए यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी फिलहाल गाइस अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड अभी ना मैं आप लोगों को भाई हमारे गेम के अंदर आने वाले ये ओल्ड रेयर M10 के स्किन के बारे में बताता हूँ। हाँ भाई, ये जो आप लोग स्क्रीन पर रिंग इवेंट देख पा रहे हो, इसमें जितने भी M10 के स्किन है, सारे ही M10 के स्किन काफी ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा बढ़िया है। हाँ यार, हमारे गेम के अंदर बहुत पहले ये M10 के स्किन आए थे और काफी बार ये रिटर्न में भी आ चुके हैं, बट अभी गाइस बहुत टाइम हो चुका है कि हम लोगों को हमारे गेम के अंदर ये M10 के स्किन रिटर्न पे देखने को नहीं मिले हैं। तो फाइनली गाइस आज कुछ इस तरीके का एक रिंग इवेंट निकल के आ रहा है, जिस रिंग इवेंट के अंदर हम लोगों को ये M10 के सारे स्किन देखने को मिलेंगे। सो ऑलराइट गाइस, अगर अभी ना मैं आप लोगों को रिंग इवेंट के रिगार्डिंग अपने ऑनेस्ट रिव्यू दूं, तो भाई सच में मुझे ये रिंग इवेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जी हाँ गाइस, नो डाउट इसके अंदर सारे के सारे M10 के स्किन A1 है और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पास तो इनमें से कोई भी M10 का स्किन नहीं है। तो इसलिए गाइस मैं तो ये रिंग इवेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे ही हमारे गेम के अंदर ये रिंग इवेंट आएगा, मैं यहाँ पर से जरूर कोई ना कोई एक M10 का स्किन तो निकालूंगा ही। बाकी अभी तो यार हम लोग फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस अभी ना मैं आप लोगों को रिंग इवेंट की कंफर्म डेट के बारे में बताता हूँ। देखो गाइस, ये रिंग इवेंट आज मुझे हमारे गेम की फाइल के अंदर से मिला, जिस हिसाब से भाई अभी लीक्स वगैरह निकल के आ रहे हैं, तो भाई हमें ये रिंग इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर नेक्स्ट मंथ मई की फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। हाँ गाइस, ये रिंग इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर इस मंथ अप्रैल में नहीं आने वाला है, क्योंकि इस मंथ ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर स्कॉर्चिंग सील बंडल आ रहा है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। हाँ यार, स्कॉर्चिंग रिंग तो आज का टुनाइट अपडेट ही है। इसलिए गाइस खैर, अभी मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ रिंग इवेंट्स के बारे में बता चुका हूँ, मैंने आप लोगों को एक फ्री इवेंट के बारे में बताया, इसलिए गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। बाकी अभी तो यार फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस अभी मैं आप लोगों को हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले ये रॉयल के बारे में बताता हूँ। हाँ गाइस, आप लोग स्क्रीन पर ये जो फैंटम मरी वाला रॉयल देख पा रहे हो, यार ये रॉयल हमारे इंडिया सर्वर के लिए एक दो हफ्ते से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा, मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को ये रॉयल दिखाया था। बाकी उस टाइम पे मैंने गाइस आप लोगों को बोला था कि OB44 अपडेट के बाद ये रॉयल हमारे गेम के अंदर आएगा एंड अभी गाइस आप लोगों को पता होगा 17 तारीख को ऑलरेडी OB44 अपडेट आ चुका है। यार अभी करंट टाइम पे हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर ये रॉयल के रिगार्डिंग भी करीना ने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एड कर दिया है। चलो यार अभी मैं आप लोगों को रॉयल के रिगार्डिंग सब कुछ पूरा डिटेल के साथ बताता हूँ। तो गाइस देखो, ये जो रॉयल है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बनी बंडल है ये बहुत टाइम पहले हमारे गेम के अंदर आए थे। बाकी यार सच बताओ तो मेरे पास तो इनमें से कोई सा भी बंडल नहीं है। यार मैं तो ये रॉयल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब ये रॉयल हमारे गेम के अंदर आएगा तो मैं यहाँ पर से एक ना एक फैंटम बनी बंडल को तो जरूर निकालूंगा। बाकी अभी तो यार हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड क्योंकि अभी मैं आप लोगों को रॉयल का पूरा रिव्यू करवा चुका हूँ, तो अभी हम लोग इसकी कंफर्म डेट के बारे में बात करते हैं। हाँ गाइस देखो, ये जो रॉयल है ये हमारे गेम के अंदर अपकमिंग एक वीक में ही आ जाएगा। हाँ गाइस, 25-26 तारीख के आसपास हम लोगों को हमारे गेम के अंदर ये रॉयल देखने को मिलने वाला है। तो अभी आप लोग मुझे जरा कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को ये रॉयल कैसा लगा और हाँ, क्या आप लोग यहाँ पर से किसी बंडल को निकालोगे या फिर नहीं निकालोगे, ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अभी तो यार हम लोग फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड गाइस अभी हम लोग बात करते हैं पिंक डायमंड स्टोर इवेंट के बारे में। देखो गाइस, करंट टाइम पे पिंक डायमंड स्टोर की रिगार्डिंग भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। हाँ अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं बता दूं, वैसे अभी कुछ ही टाइम पहले हमारे फ्री फायर के बहुत सारे सर्वर है जहाँ पर पिंक डायमंड स्टोर इवेंट आया हुआ था, जिनमें से कुछ सर्वर के अंदर से तो पिंक डायमंड स्टोर इवेंट रिमूव हो चुका है एंड कुछ सर्वर ऐसे भी है जहाँ पर अभी भी पिंक डायमंड स्टोर इवेंट अवेलेबल है। फिलहाल गाइस अगर अभी हम लोग इंडिया सर्वर की बात करें तो सबसे पहले गाइस आप लोग स्क्रीन पर ये PNG देखो, मैं आप लोगों को बता दूं ये PNG हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर लगभग 2-3 महीने से अवेलेबल है, बट भाई ये PNG ही अवेलेबल है हमारे गेम के अंदर, ये PNG से पिंक डायमंड स्टोर इवेंट बनके अभी तक नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार गाइस जो OB44 अपडेट आया, OB44 अपडेट के बाद भी हमारे इंडिया सर्वर की फाइल के अंदर काफी सारे PNG ऐड हुई है, काफी सारे टोकन्स आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ये टोकन्स में भी पिंक डायमंड अवेलेबल है। तो इस हिसाब से यार मैं आप लोगों को क्लियर बताऊं तो अभी के टाइम पे यार जो हमारे गेम की फाइल के अंदर से लीक्स निकल के आ रही, जो OB44 अपडेट के बाद हमारे गेम की फाइल के अंदर लीक्स ऐड हो रही है, उनके अकॉर्डिंग तो यार हम लोगों को हमारे गेम के अंदर बहुत जल्द पिंक डायमंड स्टोर इवेंट देखने को मिलेगा। बट गाइस मैं आप लोगों को एक चीज पहले क्लियर कर दूं, पिंक डायमंड स्टोर इवेंट एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, तो हम लोगों को ऐसे रैंडमली ये हमारे गेम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि ये इवेंट किसी मेगा इवेंट के ही टाइम पे आएगा। तो इस बार भी यार बहुत ज्यादा हाई चांसेस निकल के आ रहे कि फ्री फायर की एनिवर्सरी में ही हम लोगों को हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर इवेंट देखने को मिले।
मिले। सो राइट गाइस, अभी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को ये अपकमिंग पिंक डायमंड स्टोर इवेंट का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। बाकी मैं जानता हूँ यार आप लोग सभी लोग पिंक डायमंड स्टोर इवेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो फिलहाल गाइस, जिस हिसाब से मुझे पिंक डायमंड स्टोर इवेंट के लीक्स मिले थे, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को पिंक डायमंड स्टोर इवेंट का इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। बाकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, आने वाले टाइम पे जैसे ऐसे करीना हमारे गेम की फाइल के अंदर पिंक डायमंड स्टोर इवेंट के रिगार्डिंग कुछ और भी लीक्स ऐड करेगा, कुछ और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, आप लोगों को सब कुछ वीडियो बनाकर जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो गाइस पिंक डायमंड स्टोर इवेंट का इतना ही इन्फॉर्मेशन था, तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। और यार अगर अभी हम लोग ये वीडियो की तरफ ध्यान दें तो अभी ये वीडियो भी काफी ज्यादा लेंथी हो चुका है, एंड अभी वक्त है आप लोगों के कमेंट्स को पिक करने का। बट गाइस सच बता रहा हूँ, अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, आप लोगों को आवाज से पता नहीं लग रहा होगा, बट यार बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा हूँ मैं, इसलिए गाइस आज मैं आप लोगों के कमेंट्स को पिक नहीं कर पाऊंगा। आज मैंने जस्ट ये वीडियो बना दिया है, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन गाइस आप लोग चिंता मत करो, कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स पिक करने वाला हूँ, एंड कल मैं एक रैंडम सब्सक्राइबर के कमेंट को भी पिक करूंगा, जिसको मैं 1000 डायमंड उसकी यूआईडी में भेजूंगा। तो गाइस आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों को 1000 डायमंड मिले, तो आज की वीडियो में आप लोग ढेर सारे कमेंट करना और अपने कमेंट के साथ अपना यूआईडी जरूर देना। मैं रैंडम कमेंट पिकर वेबसाइट का यूज करके आज की वीडियो के अंदर से एक रैंडम कमेंट को पिक करूंगा, एंड उस रैंडम कमेंट में जो भी यूआईडी लिखी होगी उस यूआईडी में 1000 डायमंड भेज दूंगा। ऐसे गिवअवेज मैं काफी बार पहले भी कर चुका हूं, एंड आज भी एक गिवअवे आप लोगों के लिए है। तो जरूर आज की वीडियो में ढेर सारे कमेंट्स करना। बाकी अभी तो गाइस हम लोग ये वीडियो को यहीं पर ही एंड कर दे, आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।